यस स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। आपके हित के लिए आज जो इशू आपके साथ मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड एक मेजर इशू है। इंटरनेशनल लेवल पर इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो मैं बात करूँगा वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और साथ में हम बात करेंगे GATT के बारे में, ये क्या है। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव हेड विद मी टू नो अबाउट टूडेज कॉन्टेंट। तो सबसे पहले जब हम WTO, जो एब्रीवेटेड एक वर्ड है, अगर इसकी फुल फॉर्म बनाने की कोशिश करें, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन क्या है भाई? ये नाम ही बता रहा है कि दुनिया लेवल पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में व्यापारिक रिश्तों को आसान बनाने के लिए बनाई गई होगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। पर उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ इसकी जो बैकग्राउंड है उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम सबको पता है कि दुनिया में 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हुए, लाखों लोग मारे गए, चारों तरफ इकोनॉमिकली डिजास्टर जैसे हो गया, ऐसी पोजिशन आई। वर्ल्ड वॉर के कारण जब चारों तरफ इकोनॉमिकली डिजास्टर था, तो दुनिया के कुछ जो इकोनॉमिक पावर्स थी उन देशों ने मिलकर, ऑलमोस्ट वो 23 कंट्रीज थे, 1948 में एक एग्रीमेंट किया, एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज GATT। GATT क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। दुनिया में व्यापार को आसान बनाया जा सके, टू मेक अ बिजनेस, और वी कैन से द इंटरनेशनल ट्रेड, नॉट ओनली बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड इजी, वट एवर द रिस्ट्रिक्शंस इन द वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट कैन बी रिमूव्ड। सभी देशों ने, वो जो 23 देश थे, उन्होंने कोशिश की और इसके जो स्केल था इसको इनलार्ज करने की कोशिश की, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। बहुत टाइम निकल गया। फिर 1986 में दुनिया के कुछ इकोनॉमिक और पावर्स इकट्ठी हुई, सारी दुनिया के कंट्रीज को वहाँ बुलाने की कोशिश हुई, उसे उरुग्वे एग्रीमेंट का नाम दिया गया। उस वहाँ पर बैठकर एक एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की गई कि क्यों ना ये 23 कंट्रीज, क्यों ज़्यादा देशों को इन्वॉल्व किया जाए, और जो GATT की जो प्रोविजंस हैं उनको और लिबरल बनाया जा सके, क्योंकि GATT के अगेंस्ट बहुत से देश इकोनॉमिकली थे, दे आर अपोजिंग द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ GATT एग्रीमेंट, क्योंकि GATT जो एग्रीमेंट था उसमें बहुत सी प्रॉब्लम थी, बहुत से इकोनॉमिक कंसर्न थे डिफरेंट कंट्रीज थे, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज उसके अगेंस्ट थे। तो उरुग्वे से ये बातचीत शुरू हुई 1994 में, आकर दुनिया में मैक्सिमम जो इकोनॉमिक पावर्स थी उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो इकोनॉमिक फ्रंट पर दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर कर सके, सारी दुनिया को एक मार्केट बनाया जा सके। इस एफर्ट्स को करते करते अप्रैल 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ और एक नई ऑर्गेनाइजेशन रिकंस्ट्रक्ट की गई, GATT एग्रीमेंट की प्रोविजंस को छोड़ते हुए, बहुत सी वो प्रोविजन कुछ नहीं उसमें इन्वॉल्व की गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल 1994 में, और 1 जनवरी 1995 से वो एग्जिस्टेंस में आई। उस टाइम 123 देश, 123 नेशंस हैज साइंड दैट एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा देश, आर कंट्री इंडिया, हैज आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ WTO ऑन 31st दिसंबर 1994, जस्ट ऑन द ईव ऑफ इट्स बिगनिंग। जब WTO की शुरुआत हुई, ठीक उससे पहले ही इंडिया ने साइन किए थे। आपको एक और बता दूं बात, तब 123 कंट्रीज ने साइन किए थे, इस टाइम एट प्रेजेंट सिनेरियो 164 कंट्रीज आर देयर एंड 24 ऑब्जर्वर कंट्रीज। ऑलमोस्ट सारी दुनिया अब WTO का मेंबर बन चुकी है। अब बात करते हैं कि WTO है क्या, करना क्या है इसने। WTO, we can say, is such an organization
विच इज ट्राइंग टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस विदाउट एनी बैरियर्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इफ देयर इज एनी कंसर्न और डिस्प्यूट रिगार्डिंग ट्रेड दैट कैन बी रिमूव्ड. तो WTO का मेन मकसद यही है कि दुनिया के देश आपस में खुलकर व्यापार करें, एक दूसरे को रोके ना भी, एक दूसरे के जो गुड्स थे उन पर ऐसा टैक्स मत लगाएं कि वो वस्तुओं की कॉस्ट इतनी बढ़ जाए कि उस देश में आने से वो अपने आप ही बंद हो जाएं. इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज. पहले ऐसा था, 1995 से पहले ऐसा था, एक देश दूसरे देश की चीजों को अपने देश में आने से अपनी मार्केट को बचाने के लिए इसलिए रोक दे, इस ढंग से रोकता था बाय इंपोजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ्स एंड वी कैन से टैक्सेस. तो उनका रेट ज्यादा होता था, वो वस्तुएं बिकती नहीं थी. अब इंटरनेशनल ट्रेड को अगर प्रमोट करना है तो इन बातों को तो हटाना जरूरी था. दैट इज वाई WTO कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. इसी कारण तो आई थी वो WTO. यही कारण था कि वो WTO ने मेन अपने जो इसके कंट्रीज थे इन्होंने एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया, उसमें साइन हुए, कुछ उसका कानून है, पूरे इसकी जो मैकेनिज्म तैयार किया गया कि अगर इसके रास्ते में रुकावटें आएंगी देन डिफरेंट रेगुलर अथॉरिटीज एंड बॉडीज आर देयर जो इस सारे इश्यूज को प्रॉपर देखेंगी. अगर दो कंट्रीज में अगर ट्रेड के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो एक मैकेनिज्म है, वो सारी की सारी जो बॉडी है सारे झगड़ों को निपटाएगी. ऑल दीज कंसर्न्स हैज बीन टेकन इनटू एज अ की पॉइंट इन एग्रीमेंट ऑफ WTO. तो बात करते हैं WTO के मेन ऑब्जेक्टिव्स की. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसमें से? सबसे पहले टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. We know there are many countries in the world which are economically backward or at developing stage. To improve the standard of living of specifically of these countries' people and the all of the world's people is the major objective of WTO. कि international trade के द्वारा हालात इतने अच्छे बना दिए जाएं कि जो उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें सुधार आ सके. अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड इट इज स्टिल रिमेन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो उस समस्या को हल करने के लिए, उसका सलूशन निकालने के लिए WTO के जो कंट्रीज थे उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि कुछ ऐसी प्रोविजंस की जाए सो दैट मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड. That is also one of the very important objective of WTO के international level पर एक दूसरे देश के साथ व्यापार करना free हो सके, ज़्यादा obstacles ना हो, ज़्यादा barriers ना हो, अगर रास्ते में रुकावटें उन रुकावटों को हटाया जाए. That is the main objective to promote international trade of the WTO. Next, utilization of world resources properly, जिसको हम कहते हैं optimum utilization of resources. तो बहुत से देश उससे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे थे, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे थे. अब भी है ऐसा, लेकिन WTO के अंतर्गत ऐसा एग्रीमेंट हुआ है और बहुत से देशों ने इस पे रोक भी लगाई है. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बच सकें. दैट इज ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO. सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स. जब उससे पहले झगड़े होते थे तो वार तक सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो WTO का एक मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया कि अगर दो देशों में इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू द डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ WTO. नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल ट्रेड टू मेक द इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल. जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सिर्फ घाटे का एक बाजार बनकर ना रह जाए, इट शुड बी बेनिफिशियल. क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है अगर वो पूंजी को इन्वेस्ट करेगा कहीं पर बिजनेस ट्रेड को बढ़ाने के लिए तो उस हालत में उसको कुछ बेनिफिट तो हो. दैट इज ऑल्सो द मेन पर्पज और वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO. प्रमोट फर्दर लिबरलाइजेशन. दुनिया में लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जाए. दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO. और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हम आज देख रहे हैं सारी दुनिया एक बाजार बन चुका है, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट ऑफ WTO. नेक्स्ट वन इज द ए सेविंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड देयर शुड बी ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो भी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, सस्टेनेबल हो, वो हमारे लिए डिजास्टर ना हो, वो हमारे रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइज ना कर दे, ओवर यूटिलाइज ना कर दे. और सेकेंडली, पोल्यूशन ना हो दुनिया में.
That is why WTO has created specific clauses under the agreement which the 123 countries has signed at that time. Now I have already told almost maximum countries of world are the part, or we can say the member of WTO. Ek baat aur bataun, WTO ke is time 164 members aur almost 24 observer countries hain. To iska matlab sari duniya hogi. तो इसमें सिर्फ ऑलमोस्ट मैंने डाटा जानने की कोशिश की, 16 कंट्रीज हैं, बहुत छोटी छोटी इकोनॉमिक वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने, जैसे फिलिस्तीन है, नॉर्दर्न कोरिया है, ये कुछ देश हैं, ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज हैं ऐसे जो अभी तक इसके मेंबर्स नहीं बने, पर इस टाइम ऑलमोस्ट सारी दुनिया इसकी मेंबर बन चुके. जो लेटेस्ट मेंबर WTO का बना वो अफगानिस्तान 2016 में इसका मेंबर बना था एज ए 164th मेंबर ऑफ WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में एक बात और बताऊं, इसका जो हेड ऑफिस है दैट इज इन स्विट्जरलैंड एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में है, वहाँ इसकी प्रॉपर मीटिंग होती है. इसके जितने भी कंट्रीज हैं, इसमें एक बात और है, सभी को इक्वल राइट है वोटिंग का. जब कोई एग्रीमेंट करना है, किसी बात पे समझौता नहीं बन रहा, नीड सम वोटिंग, तो उस हालत में हर कंट्री को एक वोट का अधिकार है. ये नहीं कि कोई वोट ज़्यादा, कोई कंट्री अगर इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो उसको ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है. सबको एक कंट्री एक वोट, ये इसका एग्रीमेंट में जैसे लिखा था उसके अकॉर्डिंगली जब भी कुछ नया इसमें इन्वॉल्व करना है वो इंक्लूड कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं WTO के अंतर्गत फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से द फंक्शनली एस्पेक्ट ऑफ WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है भी? कैसे सारे जो एग्रीमेंट की क्लॉजेज हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में पॉसिबल बना पाया WTO आज तक? तो उसका सबसे पहले है, तो इसके लिए सबसे पहले जो इसमें क्लॉज थी वो ये भी थी, इन प्रैक्टिकल फॉर्म आइदर दे हैव एडॉप्टेड द क्लॉजेज और नॉट. इसको देखना कि जो क्लॉजेज थी उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं उस क्लॉजेस को, उन शर्तों को पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे. पूरा विजिलेंट होकर WTO एज अ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को वॉच आउट करता है, तभी WTO अपना इंपैक्ट सारी दुनिया पर आज बना पाया. नेक्स्ट वन इज द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स. वी नो दैट व्हेन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज, टाइम एंड अगेन देयर मे बी सम डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज रिगार्डिंग सम international trade issues, they have proper mechanism to resolve any dispute regarding international trade and it's very effective too till date. WTO के जो objectives थे उनके अंतर्गत ही कुछ इसके functional format ऐसे भी बनाए गए so that proper cooperation can be developed in different countries of the world, सारी दुनिया के देश मिलजुल कर रह सकें, इंटरनेशनल ट्रेड की कंडीशंस पर कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं. इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा प्रमोट करना, फ्री ट्रेड जितना हो सकता है प्रमोट करना, डिफरेंट टाइप के जो टैरिफ एंड टैक्सेस लगते थे उनको एक मार्जिनल रेट पर लेके आना, कोई देश दूसरे देश को अपने देश में व्यापार करने से, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से नहीं रोकेगा. तो मनी, और ये जो सब होते हुए सबसे बड़ी बात थी टू मॉनिटर ट्रेड पॉलिसीज. That is the main functional part of WTO. जितनी भी policies बनी वो सिर्फ agreement के एक words के रूप में नहीं बनी, बल्कि उनको monitor किया जाता है. Proper body is there, mechanism is there. That is why WTO is very effective organization to control and to run the international trade in very effective manner in these days. So, इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो साफ दिख रहा है कि दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है 1994 के बाद लगातार इंक्रीज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, कंप्यूटराइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ जिससे जॉब क्रिएशन हुई, इंटरनेशनल डिस्प्यूट थे उनको रिजॉल्व किया जा सका. बहुत से डिस्प्यूट आज भी हैं. I'm not telling you that all the disputes has been overcome. No, till date there are many disputes, but still lot of disputes have already been resolved. बहुत सी जो dispute थे एक देश के दूसरे देश के साथ, कैसे dispute? वस्तुओं के व्यापार को लेकर, वस्तुओं पर लगने वाले taxes और tariffs को लेकर, जो ऐसे dispute थे कोई प्रोडक्ट आने नहीं देता था देश अपने देश में दूसरे देश का, इन सभी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सका विद द डिफरेंट
क्लॉजेज ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ WTO. WTO के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको प्रॉपर कैसे अटेन किया जा सके, कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया जा सके, इसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट्स थे, जिनमें से कुछ जैसे आपको पता होगा जो गैट की क्लॉजेस थी वो इसमें इन्वॉल्व की गई, बट उसका विरोध ज़्यादा था इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उसमें कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो ज़्यादा बेनिफिशियल थे, डेवलपिंग कंट्रीज को वो सारी कंडीशंस मंजूर नहीं थी, उनको रिजॉल्व किया गया. इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज द बेसिक एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पर WTO में बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है कि इस इश्यूज पर डेवलपिंग कंट्रीज को मिस यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, उनके रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उन पर टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्पोज नहीं की जाएंगी, ऐसा कुछ इस एग्रीमेंट में किया गया है. तो इससे ऐसे लगता है कि WTO इज वेरी इफेक्टिव टू रन थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड इन वेरी इफेक्टिव वे, बट ऐसा नहीं है. स्टिल देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स while applying the agreement clauses of the WTO. बहुत सी disadvantages हैं भाई, कुछ नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है. WTO has promoted the trade, it's clear, promoted the trade, but the maximum promotion is in today's scenario, we are feeling that in the developed countries. डेवलपिंग कंट्रीज आज भी वैसी ही पोजीशन में हैं, उनको बहुत सी बातों पर स्ट्रगल करनी पड़ रही है. मैक्सिमम जो क्लॉजेस थी वो ऐसा महसूस हुआ डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में है. इसके अलावा ड्यू टू सर्टन कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट साइंड बाय डिफरेंट कंट्रीज एट द टेबल ऑफ WTO हैव सम शॉर्टकमिंग्स रिगार्डिंग different issues of developing countries. The problem of unemployment still prevailing in the developing countries. Therefore, that is the people and the governments of these countries feeling some unrest. In deshon mein kuch unrest hai, WTO ke agreement ke under, specifically in agriculture sector. Many countries are feeling a little bit down, specifically developing countries. So it needs some improvement in different clauses of WTO's agreement. कुछ सुधार करने की जरूरत है, वरना इसका विरोध और बढ़ जाएगा WTO का. लेकिन ऑन द ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि WTO इज प्लेइंग वेरी इफेक्टिव रोल इन टूडेज ग्लोबलाइजेशन पीरियड, प्राइवेटाइजेशन पीरियड एंड द पीरियड ऑफ वन मार्केट, व्हेन वी ड्रीमिंग अबाउट दिस कि सारी दुनिया एक बाजार बन जाएगी. तो WTO के बारे में कुछ बातें आपको बताई, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर. If you have any concern, you can go through the contents, whatever you have as a hard copy with you. अगर फिर भी कुछ बात क्लियर नहीं है तो वीडियो के उस हिस्से में जाएं और देखें WTO के बारे में. और बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं वो ऑलरेडी हैं, कुछ आती रहेंगी, और मोटिवेशनल वीडियोज़ भी इस चैनल पर हैं. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.